हेलो एवरीवन, दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंड सम एक्स्ट्रा और मे बी रिड्यूस डेलिबरेटली टू कंट्रोल द इकोनॉमी एज अ हायर लेवल टू सस्टेनेबल लेवल एंड आवर इकोनॉमिक सर्वे गिव अ इकोनॉमिक सर्वे ग्राफ in which both cycle normal condition and counter cycle represented there. We understood this graph. We first know about the normal condition, pro cycle and counter cycle. At a normal condition, our economy is good, doing well. There is no interference of the government. So the shape of the graph is this. It means if our economic growth with maximum 15%, then our economic if fall down to maximum 15%. Here 15 and 15, that it simply I am telling to just a representation to clarify this graph. It is not a growth percentage, it is not a nothing. ये कुछ भी नहीं, बस इसे आप समझने के लिए रख सकते हो। एवरीथिंग जी ओके ओके। हमारा ग्राफ ऐसा हुआ, ये साइकिल है। जितना ग्रोथ, जितनी परसेंट की पिकअप होगी उतनी परसेंट की लॉस भी होगा। ये साइकिल पूरी इकोनॉमिक्स में हमेशा चलती है ये, और हर एक कंट्री के लिए वैलिड होता है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स अगर गवर्नमेंट इसी नॉर्मल कंडीशन पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है और इस पर और अधिक खर्च करती है, मतलब एक्सपेंडिचर करती है, तो ये जो ग्राफ है दिस लाइक डैट मीन्स इसकी जो पीक वैल्यू है 15 से मे बी 25 और जब ये 25 हो जाएगा तो फिर ये भी एक साइकिल हो, फिर कभी ना कभी इकोनॉमिक्स डाउन करेगी और डाउन करके कितने तक जाएगी 25 तक, जो कि हार्मफुल भी हो सकती है क्योंकि एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ वो हमेशा बढ़ती घटती रहती है। तो इन केसेस में जो डेवलप वो और अधिक तो डेवलप हो जाएंगे, पर डाउनफॉल होगा तो एकदम से पीछे जाएंगे, बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, और जो नीचे हैं इस लेवल पे वो और नीचे चले जाएंगे। तो ये भी इस सिंपली आप इसे याद रखिए कि अगर ये प्रो साइकिल है तो डैट मीन्स ये प्रो साइकिल है, तो ये प्रो साइकिल क्या कर रहा है, इस इकोनॉमी को ग्रोथ दे रहा है बहुत ज़्यादा, और कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 25 तक। फिर अगर गवर्नमेंट इसी नॉर्मल कंडीशन पर काउंटर साइकिल पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो ये ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा, जहाँ पर पीक वैल्यू 15 थी तो यहाँ पर मे बी 12 रहेगा, 12 लेस देन 15। तो हमने एक 12 एग्जांपल ले लिया है, जिसकी वजह से अगर डाउनफॉल भी होता है तो 12 हो जाएगा, जो कि ये 3 टूल्स होती है फिस्कल पॉलिसीज के जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। और इसी ग्राफ को इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे बनाकर, ग्राफ में भी अच्छा नहीं होगा मेरी तरफ से, उतनी अच्छी नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। डैट इज ए नॉर्मल कंडीशन, प्रो साइकिल एंड काउंटर साइकिल। आप सीधी सीधी एग्जाम सिंपल सा समझ लीजिए, अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो जैसी गवर्नमेंट इस पर एक्सपेंडिशन ज़्यादा करेगी तो इसकी पीक ये वाली वैल्यू ऊपर उठ जाती डैट से, और जैसे ही गवर्नमेंट काउंटर पॉलिसी अडॉप्ट करती तो ये वाली वैल्यू और थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इसी को बोलते हैं प्रो साइकिल और काउंटर साइकिल। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि प्रो साइकिल में क्या करना है, काउंटर साइकिल में क्या करना है, ये हम अदर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल मैं एक ग्राफ को आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, आशा है आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड डे।